to do is get this young lady out from under my desk. No teeth, damn it. Oops, sorry, Mr. Zelda. I didn't mean it. Oh, Gordon, this is so scary. Shut up. Running out of places to slap you. We're fighting a red menace here. We've got no time for emotion. What did you do during a war, Gordon? I fought fascism. In Germany? Italy? No, dumbass, Florida. Now shut your yap, we're here. अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम है गेमिंग पॉइंट फ्रॉम पार्क में। मैं हूं माइकल और आज आप देख रहे हैं माइकल के व्लॉग्स। माइकल जा रहा है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर को लेके मॉडिफिकेशन के लिए लॉस सैंटोस कस्टम में। चले चलते हैं। ओए बाहर तो बहुत बारिश हो रही है शदीद वाली। ओए अंदर चल अंदर चल अंदर चल। बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। चले चलते हैं पास ये लॉस सैंटोस कस्टम, उसकी लोकेशन सेट कर लेते हैं हम। आज इसकी मैक्स लेवल की मॉडिफिकेशन करवाएंगे। यार बारिश तो आज बहुत ज़ालम हो रही है यार। माइकल अभी सो के उठा था और तैयार शहर हो के तो थोड़े से सुट्टे वगैरह लगा रहा था और टीवी के आगे बैठा था, तो उसका दिल नहीं लग रहा था घर में माइकल का। तो माइकल ने सोचा कि मैं मॉडिफिकेशन करवा लूँ अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर की। बाहर निकला तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो फिर बारिश में ही आ गया है माइकल। और मैंडा और जिब्बी और ट्रेसी बैठे हुए थे टेबल पे। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये मैं कमेंट में बताएं। और पिछले व्लॉग में माइकल ने ऊबर में लैम्बोर्गिनी यूरो से लाई थी। ओए गाड़ी ड्रिफ्ट हो रही है यार। लैम्बोर्गिनी यूरोस चलाई थी। अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यार रास्ता दे दे यार। पहले बहुत बुरे तरीके से गाड़ी हुई है ड्रिफ्ट, तो माइकल के कंट्रोल से बाहर चल गई थी गाड़ी। बस हम पहुंच चुके हैं वैसे भी लॉस सैंटोस कस्टम, इतना रास्ता है नहीं है माइकल के घर से। ये देखें ये भी करवाने आया है मॉडिफिकेशन, गाड़ी छोड़ने आया है। ये मॉडिफाई की हुई है उसने गाड़ी। देखते हैं इसके पास कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है मेरी टोयोटा फॉर्च्यूनर की। ये आर्मर है जी इसका नॉर्मल सा, हम इसे करवाएंगे 100% अपग्रेड करवाएंगे। ब्रेक जी रेस ब्रेक करवाएंगे, ये एंड लेवल की ब्रेक है, इसके आगे ये अपग्रेड नहीं हो सकती। इंजन इंजन इसका लेवल 1 का था और हम लेवल 4 का करवाएंगे। हॉर्न है जो स्टैंडर्ड ही ठीक है। लाइट जी ये भी मैक्स लेवल की करवाएंगे। किट हम बाद में लगवाएंगे, जो पेंट करवाएंगे गाड़ी को उस हिसाब से लगवाएंगे, उसके नीचे जो अच्छी लगेगी वो ही लगवाएंगे। और रीस्प्रे में जी देखते हैं क्या है। मेटैलिक में करवा के देखते हैं, पहले देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। यार सिल्वर का भी अच्छा लग रहा है। चले और देखते हैं आगे क्या क्या है। चले और देखते हैं आगे कोई और ऑप्शन हो अच्छी।
कोई नहीं अच्छा लग रहा यार। मुझे तो ये सिल्वर अच्छा लग रहा है, यही करवा लेते हैं इसे। ट्रांसमिशन जी इसकी डीएस ट्रांसमिशन करवाएंगे एंड लेवल की, और टर्बो भी एंड लेवल का। और व्हील्स देखते हैं जी, ऑफ रोडिंग में देखते हैं। नहीं नहीं ये नहीं चीज, हाई एंड पे देखते हैं। देखें बाहर कैसे बादल गरज रहा है। ये ठीक है, व्हील कलर ये रेड ठीक है, बीच में हल्का हल्का। टायर डिजाइन है जी कस्टम टायर है, और टायर पहले बुलेट प्रूफ है। विंडो जी यही ठीक है, लाइट स्मोक हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर हो चुकी है मैक्स लेवल मॉडिफिकेशन इसकी। और देख कलर कितना प्यारा है, अब इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई हैं, फिर चलते हैं घर को। बारिश बहुत तेज हो रही है, लोकेशन सेट कर लेते हैं कहाँ जाना है हमने इसे टेस्ट करने हैं जी। इधर ही चलते हैं हाईवे पे। हाईवे को निकलते हैं, साथ इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, उसको चेक करते हैं मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। यार पिक में तो इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत अच्छी खासी हुई है। और ब्रेकिंग में भी अच्छी हो गई है, ये देखें जहाँ मतलब ब्रेक लगाते हैं वहीं गाड़ी जम जाती है। मतलब ओवरऑल मतलब पहले ये मतलब 80% इसमें अपग्रेड हुआ है, मतलब हर चीज़ में पिक में ब्रेक में पेट्रोल में मतलब इंक्रीज हुई है, मतलब इसकी एवरेज इंक्रीज हुई है। और अब इसे माइकल चलाएगा उबर में, और कलर बहुत प्यारा हो गया है ये सिल्वर कलर, अच्छा लगेगा इस पे। और गाड़ी ड्रिफ्ट बहुत हो रही है ये पानी की वजह से, अभी गाड़ी को नंबर लगवाना है हमने। बस ना तीन गाड़ियों के नंबर लगवाने वाले रहते हैं, तो वो माइकल कह रहा है टाइम मिले थोड़ा सा तो फिर जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ से जाकर नंबर लगवाते हैं इसे इन्हें तीनों को ही बारी बारी, तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा। यार ये बहुत काम खराब हुआ हुआ है, शीशे से नजर ही नहीं आता बाहर।
गाड़ी का साउंड चेक करें आप। बहुत प्यारा इंटीरियर है अंदर से फॉर्च्यूनर का। और देखें भाई, देखें कि कितनी बारिश हो रही है, तो लोगों को चैन नहीं है घर में। फिर भी चेक करें हाईवे पे रश, जितनी स्पीड में माइकल जा रहा है, अगर हल्की सी गाड़ी ड्रिफ्ट हो गई तो पानी की वजह से, तो फिर इस गाड़ी का कुछ नहीं बचेगा यार। स्पीड तो अच्छी है यार, यार गाड़ी तो अच्छी है यार। वैसे इसका हम ऑफ रोडिंग टेस्ट भी करेंगे और इसे ऊबर में भी चलाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ऊबर में चलाएंगे। अब इसकी टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। जितनी पाकिस्तानी गाड़ियाँ ना वो तकरीबन 170 मर मुक्के 180। ओए बहुत मुश्किल बचे हैं, बस ये भी 165 तक जाती है, 65 तक। तो अब घर की लोकेशन सेट कर लेते हैं। कभी कभी मेरा दिल करता है इसे रेस में मतलब चलाएं, मतलब रेस में, मतलब इस पे पैसे लगाएं और रेस में अपनी फॉर्च्यूनर को लेकर जाऊं। पर मुझे फिर डर भी लगता है, इनकी स्पीड कम है, मतलब 160-170 है, तो जो दूसरे लोग गाड़ियां लेके आएंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, 250-300, ये ना सारे पैसे ज़ाया हो जाएं। पर फिर भी माइकल सोच रहा है कि लगानी चाहिए यार, पाकिस्तानी गाड़ी इतनी बुरी भी नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। बच गए हैं, 170 पे गई है अभी तक, 174 आ गए, फिर गाड़ी आ गई, इसलिए अगली 174-175 तक। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यार, हटने का नाम ही नहीं ले रही यार ये तो बारिश। रात हो गई है, और अमेंडा को भी गाड़ी लेके देनी है, नहीं
वो अभी कह रही थी मुझे गाड़ी लेनी है, बस मुझसे ये नहीं चलती चलती। और जिमी भी मांग रहा है गाड़ी। नहीं, अब देखते हैं माइकल माइकल क्या करता है। माइकल ने तो अभी तो टाला, मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं तुम दोनों को मतलब नई नई गाड़ियां ले दूं। अभी तो मैं पता ही है कितने पैसे लगाए हैं मैंने 3-4 गाड़ियों पे, तो ऊपर में गाड़ियां चला रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस पर अच्छे खासे पैसे मेरे लग गए हैं। तो अभी जिद ना करो, मतलब जैसे ही हालात थोड़े सही होते हैं तो मैं तुम दोनों को गाड़ियाँ नहीं ले दूँगा, जो तुम्हारी पसंद होगी वो ही लिख दूंगा। तो अमेंडा तो मान गई है, जिमी अभी जिद पे है कि आगे से गाड़ी आती पता नहीं चलती। यार अब आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊंगा, पहले बहुत मुश्किल बचाऊं नुकसान से। भाई अभी तो 2 दिन हुए हैं गाड़ी ली है लिए को। बारिश तो हटने का नाम ही नहीं ले रही, मसलसल हो रही है। और ड्राइवर का क्या बन रहा होगा, वो तो गांव में रहता है यार, उधर तो गोडे गोडे चिक्कड़ होता है। वहां तो नई गाड़ी बंदा ले जाए बस बर्बाद करने वाली बात है, वो तो आते ही आपको मतलब 6 बार ढलवानी पड़ेगी, इतना चिक्कड़ गाड़ी पे भी और आपके हाथों पाँव पे भी आ जाता है। यहाँ रोकते हैं 1 मिनट, माइकल को टेंशन पड़ गई है अब गाड़ी की, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो गया पर नहीं बच गई है गाड़ी। चलो यार निकलो, और माइकल घर के बहुत पास पास है। फाइनली माइकल घर पहुंच चुका है। ये जो लैंड क्रूजर थी ना इधर, वो मैं खड़ी कराया हूँ जाके अपने गैराज में नए वाले। अरे अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।